Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss what is reference in semantics and its two types. So let's proceed. सबसे पहले जी बात करते हैं कि रेफरेंस होता क्या है. रेफरेंस इज एन एक्ट और अ लैंग्वेज एक्सप्रेशन बाय विच स्पीकर यूजेज द लैंग्वेज डैट इनेबल्स द लिसनर टू आइडेंटिफाई समथिंग इन रियल वर्ल्ड. अब रेफरेंस क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास स्पीकर यूज करता है ताकि रियल वर्ल्ड के अंदर कोई किसी चीज़ को रेफर कर सके, ठीक है, और लिसनर जब वो ईजिली उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके. इट इज़ ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स एंड थिंग्स आउटसाइड द लैंग्वेज एंड बिटवीन द लैंग्वेज. अब ये हमारे पास रिलेशनशिप है लैंग्वेज और आउटसाइड द लैंग्वेज के अंदर, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कह रहे हैं लुक एट दिस वॉच, अब यहाँ पर जो हमने वर्ड वॉच यूज़ किया ये हमारे पास होता है रेफरेंस, क्योंकि हमने क्या किया, लैंग्वेज एक्सप्रेशन को यूज़ किया कोई चीज़ जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रेफर करने के लिए, ठीक है. अब यहाँ पर जिसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आता है जी वेरिएबल रेफरेंस. अगर आप वेरिएबल को देखो, पहले इस वर्ड को ही देखो, तो वेरिएबल इसका मतलब है कि चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है. द एक्सप्रेशन डैट रेफर्स टू द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वो एक्सप्रेशन जो कि एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट कैटेगरीज को रेफर करता है, ठीक है, और ये हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट. जब हम वेरिएबल रेफरेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास हमेशा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अब यहाँ पर जो प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक कंट्री की बात करें, हम स्पेसिफिक बात करें कि पाकिस्तान के प्रेजिडेंट की. अब यहाँ पर प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए भी हो सकता है, ठीक है, अब इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं. सो हमने एक ही, जैसे प्रेजिडेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, अब उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि पाकिस्तान का है, यूएसए का है, ठीक है, चाइना का है, इस तरह से हम चेंज करते रहेंगे और ये भी होगा कि ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो गया, ठीक है. अब हम बात करते हैं जी कांस्टेंट रेफरेंस की, मुस्तकिल रेफरेंस, जो चीज़ वैसी रहेगी. सो द एक्सप्रेशन डैट रेफर्स द सेम कैटेगरी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वो एक्सप्रेशन जो कि रेफर करता है एक ही ऑब्जेक्ट की सेम कैटेगरी को, ठीक है, और ये हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट. अब जब आप आईफेल टावर की बात कर रहे हैं, अब आईफेल टावर की आप तस्वीर दिखा दें, लिखा हुआ दिखा दें, आप रेफर आईफेल टावर को ही कर रहे हैं, ठीक है. इसी तरह से सन है, आप सन को ही रेफर करेंगे, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट. Thank you so much.